नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वक्त की बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक इंटर छात्र छात्राओं के लिए सेंटर परीक्षा की तिथि के बदलाव को लेकर यहां पर बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है यहां पर सेंटर परीक्षा की तिथि में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप लोग को जो है इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जो है डिटेल में आप लोग को जानकारी देने वाला। अगर आप भी मैट्रिक इंटर की सेंटर परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी की जगह उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का 10वीं यानी कि 10th उत्प्रेषण सेंटर परीक्षा जाँच परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की यानी कि प्रैक्टिकल विषयों की आयोजित करने एवं परीक्षा फल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने हेतु तिथि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना आने की जो है यहां पर मैट्रिक इंटर छात्र छात्राओं को जो है सेंटर परीक्षा की तिथि में जो है संशोधन करने के संबंध में जो है यहाँ पर आवश्यक सूचना दिया गया है। यानी कि जो है यहाँ पर सेंटर परीक्षा की तिथि में जो है यहाँ पर बहुत ही बार बदलाव किया गया है, जो आप लोगों को जान लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी जो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है एतद द्वारा माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो है तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि छात्र छात्राओं की 10वीं यानी कि 10th की उत्प्रेषण सेंटर जाँच परीक्षा दिनांक 11/11 यानी कि 11 नवम्बर 2020 से 19/11/2020 तक यानी कि 19 नवंबर 2020 तक सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा दिनांक 11/11/2020 से जो है 13/11/2020 तक एवं 17/11/2020 तक तथा प्रायोगिक विषयों की परीक्षा दिनांक 18/11/2020 से जो है 19/11/2020 तक जो है निर्धारित की अवधि में लेने तथा परीक्षा फल दिनांक 25/11/2020 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने हेतु विज्ञप्ति संख्या इतना इतना जो है एवं PR नंबर एवं विज्ञप्ति संख्या जो जारी किया गया द्वारा संसूचित किया गया था कि अपरिहार्य कारणवश इस सेंटर परीक्षा के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए सेंटर जांच परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यक्रम निम्न रूप में निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पर देखिए, विद्यालय के प्रधान अब छात्र छात्राओं को उत्प्रेषण यानी कि सेंटर जांच परीक्षा, मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दिनांक 11 नवम्बर 2020 से 24/11/2020 तक की अवधि में अपने सुविधा अनुसार किसी भी तिथि को किसी भी विषय की परीक्षा ले सकते हैं। पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा लेने की बाध्यता नहीं है। उत्प्रेषण सेंटर जांच परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक का परीक्षा फल जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 25/11/2020 को अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है सेंटर परीक्षा में जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। आप लोगों को पता होंगे कि सभी स्कूल कॉलेज में जो है 11 नवंबर से जो है सेंटर परीक्षा शुरू है। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया कि सभी स्कूल कॉलेज जो है अपने तिथि अनुसार किसी भी विषय का किसी भी दिन जो है परीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आज ही के डेट में जो है आप लोग से परीक्षा लिया जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने साफ साफ नोटिस में बता दिया कि स्कूल कॉलेज वाले जो है अपना अनुसार अपना सुविधा अनुसार जो है किसी भी डेट को किसी भी सब्जेक्ट का जो है आप लोग से परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर जो है 11 नवम्बर से लेकर 24 नवम्बर तक के बीच में जो है आप लोग से परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड ने साफ साफ यहाँ पर नोटिस जारी करके यहाँ पर बता दिया है। और 25 नवम्बर का जो है आप लोग का जो परीक्षा होगा वहां पर उत्तर पुस्तिका एवं OMR शीट को जो है यहां पर जिला शिक्षा कार्यालय में जो है उस कॉपी एवं OMR शीट को जो है पहुंचा देना है यहां 25 नवंबर 2020 तक। 11 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक आप लोग से सेंटर परीक्षा ले लिया जाएगा।
किसी भी डेट को किसी भी विषय का जो है आप लोग से परीक्षा लिया जाएगा। ये जो है आप लोग का अपने स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है, तो आप लोग जो है अपने स्कूल कॉलेज से पता कर लीजिए कि आज जो है आपका स्कूल कॉलेज में सेंटअप परीक्षा है या नहीं है, है तो किस सब्जेक्ट का है, आप लोग अपने स्कूल कॉलेज से ही पता कर पाएंगे। क्योंकि जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि 11 नवंबर से 24 नवंबर तक स्कूल कॉलेज वाले जो है अपना सुविधा अनुसार जो है किसी भी विषय का जो है परीक्षा ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।